वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो पिछली क्लास में हमने किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो आज की क्लास में हम उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, नंबर स्टोरीज करेंगे और थोड़ा सा पार्ट मल्टीप्लीकेशन का हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 से। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है वर्ड प्रॉब्लम से। वर्ड प्रॉब्लम से जो जो चीजें दी हुई है बस हम उन्हें लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में बोला है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री वॉज 5,23,728 in 2009. In 2010, due to an earthquake, itna people died. In the same year, new babies were born. What is the new population of the country in 2010? ठीक है, बहुत सारी चीजें दी हुई है, जो जो हमें दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन इन 2019 is 5,23,10,725। ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो अर्थक्वेक, पीपल डाइड इन अर्थक्वेक, तो वो थे आपके 15,562। देखिए बेटा, जब आप कुछ कुछ टर्म्स को याद रखेंगे, डाई जब कोई होता है, डाई करना मतलब माइनस होना, बर्थ होना मतलब ऐड होना, ठीक है, विड्रॉल मतलब माइनस, डिपॉजिट मतलब प्लस, ठीक है, उसी तरह असेंड मतलब प्लस, डिसेंड मतलब माइनस, इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से पीपल हैव डाइड, सो आई सब्ट्रैक्टेड एंड पॉपुलेशन जो बचेगी, पॉपुलेशन आफ्टर बर्थ, आफ्टर अर्थक्वेक, मैं ही क्यों लिख रही हूं अर्थक्वेक को। ठीक है, तो वो बची 5 में से 2 गया 3, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 5 गया 5, फिर उसके बाद ये 2 हो गया, ये 0 था, 10 में से 1 गया 9, 2, 5, ये पॉपुलेशन बची। ठीक है, बेबीज बॉर्न, तो बेबीज बॉर्न जो थे वो कितने थे उस ईयर में, 8,476 ये ऐड होंगे, तो टोटल पॉपुलेशन इन 2010, ओके, इन दोनों का सम 9, 13, 1 कैरी, 4 प्लस 1 प्लस 1 कैरी वाला 6, 5 प्लस 8 13, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 3, 2, 5, तो 5,23,33,3639, दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री इन 2010। सो आप लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल पॉपुलेशन या न्यू पॉपुलेशन, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो न्यू पॉपुलेशन है ऑफ कंट्री इन 2010 इज 5,23,03,639। समझ गए आप, करने का तरीका समझ आया सबको? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको कराऊंगी नहीं, लेकिन आप लोग इसको करने का तरीका जरूर देखेंगे।
सो क्वेश्चन नंबर टू आपको कहता है कि अ कंपनी सोल्ड 3,45,120,150 टॉफीज ऑफ टाइप ए, देन टॉफीज ऑफ टाइप बी एंड टॉफीज ऑफ टाइप सी. हाउ मेनी टॉफीज डिड द कंपनी सेल? तीनों को क्या करेंगे आप? सिंपली एड कर देंगे. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर थ्री, देयर आर इतना लेटर्स प्रिंटेड इन अ बुक, इफ इतना आर स्मॉल लेटर्स, हाउ मेनी आर कैपिटल लेटर्स? देखो टोटल बुक के अंदर जो है हमारे 85,24,650 लेटर्स है, जिसमें से 82,426 क्या है? स्मॉल है. तो कैपिटल क्या बनेगी? स्मॉल. टोटल में से जो स्मॉल है उसको माइनस अगर आप कर दोगे तो क्या टोटल बन जाएंगे आपके पास, मतलब जो कैपिटल है वो आ जाएगा आपके पास. दोनों को आप क्या करो, माइनस कर दो और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर फुल एंड फाइनल आंसर. ठीक है. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे. ठीक. अब आपके पास बोला गया है सम ऑफ टू नंबर्स. देखिए बेटा इसको समझिए. क्वेश्चन नंबर फोर समझिए. सम ऑफ टू नंबर्स इज, सपोज मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देती हूं, सम ऑफ टू नंबर्स इज 7. इफ वन ऑफ द नंबर इज 4 देन व्हाट इज द अदर नंबर? दो नंबर्स हैं जिनका सम 7 है. ठीक है. उनमें से एक नंबर 4 है तो दूसरा क्या है? भाई आपने इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देख लेना है. ठीक है. और जो नंबर आपका आएगा वो आपका दूसरा नंबर है. ठीक. तो इसका मतलब इस केस में नंबर 3 है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सिंपली लिखेंगे सम of two numbers is equals to, क्या दिया हुआ है आपको? 68, 47, 51, 68, 47, 51, 923. ठीक है. अब मैं बोल रही हूं first number, first number is equals to 39, 84, 60. ठीक है. ये मैंने अपना फर्स्ट नंबर दे दिया. तो अनदर नंबर, अदर नंबर इज इक्वल्स टू 68, 47, 51, 923 - 39, 84, 60, 025. ये आपने माइनस किया और जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल नंबर बन जाएगा. अंडरस्टूड? ठीक है. आई होप इसका आंसर आप निकाल पाएंगे. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस? सम दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा निकालना है, सेम क्वेश्चन. ठीक है. एंड व्हाट नंबर इज दिस मोर देन लार्जेस्ट? ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कराती हूं. What number is 10 lakh more than largest 8 digit number? सबसे पहले आप लिखेंगे largest 8 digit number. उस वो है 9999999. ठीक है. तो 10 lakh मोर इज प्लस 10, तो आपका आंसर होना चाहिए 9999 9 6 times आपके 9 आ गए. हाँ. अब देखो यहां पर ये ऐड हुआ तो 0 आया और ये आपका आंसर ये होना चाहिए 10 करोड़
9,99,999 is 10 lakh more than largest 8-digit number. Understood? Okay. What should be subtracted from this to get this? ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए, समझो इस चीज को. What should be subtracted from 8 to get 5? उस केस में आप क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे. बताया था ना मैंने आपको कि जब आपको माइन्यूएंड और सबट्राहेंड में से आपको दिया हो सबट्राहेंड और डिफरेंस, तो सबट्राहेंड और डिफरेंस का डिफरेंस निकालिए तो माइन्यूएंड आ जाएगा. ठीक है बच्चे, तो आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसमें सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा. ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर. सबसे बड़ा लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर लिखो जिसमें कि 9 टाइम्स 9 लिखेंगे एंड देन स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर. तो 9 टाइम्स 9 ठीक है, और आपसे बोला गया है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो उसमें 6 जीरोस और ये तो बस 9989999999 ये आपका आंसर आना चाहिए. ठीक है बच्चे, इनको प्लीज स्टेटमेंट्स में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर इक्वल्स टू दिस, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इक्वल्स टू दिस, डिफरेंस इज दिस. ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग दिस, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग दिस. ठीक है, ये आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्मड यूजिंग द डिजिट दिस. ये वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं एक बार, 9 10th एंड 11th. खुद से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और अभी के अभी ट्राई करिए और अपनी टीचर को दिखाइए. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Mr. Sinha goes with his family for shopping. With rupees 12,85,750, he purchased a refrigerator for 1,75,000, LCD TV for 96,000, cooking range for 46,000, and so washing machine for how much left? So first of all, आप क्या करेंगे? Total money लिखेंगे. Okay? Total money Mr. Sinha है. अब देखिए, टोटल मनी मिस्टर सिन्हा हैड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. तो उनके पास था रुपीज 12,85,750. ओके, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर रुपीस वो था आपका 175 का. देन आपके पास एलसीडी टीवी, कॉस्ट ऑफ टीवी रुपीस ये है आपका 96,875. देन यू हैव कुकिंग रेंज, दिस इज फॉर 46,790 एंड द फाइनल इज वॉशिंग मशीन, कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन वो भी है आपकी 28,925 की. सो आप ये देखिए, इन टोटल चीजों के ऊपर उसने कुछ खर्चा किया, तो सबसे पहले तो इनकी टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए. तो टोटल मनी स्पेंड
टोटल मनी स्पेंट इज ऑल दीज फोर. अब पूछा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद. पहले आप टोटल निकाल लो, ठीक है, 0, 19, 25 टू कैरी, देन यू हैव 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Then you have 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and 3. तो 347,000 का आपका. अब पूछा मनी लेफ्ट. तो मनी लेफ्ट निकालने के लिए आपने टोटल में से जो आपका टोटल था दैट वॉज 1,285,750, उसमें से माइनस कर देना है जो आपका खर्चा हुआ है. 0, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, आपका बचा 7, 7 बचा ना, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 बचा, ठीक है. देन 6 में से 1 गया, 5 गया 1, 15 अगेन, 15 में से 7 गया 9, 15 में से 7 गया 8, देन 7 में से 4 गया 3, एंड 12 में से 3 गया 9. तो उसके पास बचा 9,38,160. Understood? I hope addition and subtraction are very very clear. So take a pause, do all the questions, and then we can start with multiplication. सो मल्टीप्लीकेशन में आप देखेंगे कि आपके पास मल्टीप्लीकेशन में एक मल्टीप्लिकेंड होता है, एक मल्टीप्लायर होता है, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है. तो हमारे पास सपोज दो नंबर है 7 × 9, तो आंसर है 63. तो 7 मैंने पहले लिखा मल्टीप्लिकेंड, 9 मैंने बाद में लिखा मल्टीप्लायर, और उन दोनों का प्रोडक्ट आया 63, ठीक है. लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हमारी मल्टीप्लीकेशन जो है वो फॉलो करती है. जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नंबर 1 इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही होती है जो कि आपने एडिशन में पढ़ी थी, उल्टा पुल्टा एक समान, ठीक है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज उल्टा पुल्टा एक समान. तो इसका मतलब 7 × 9 इज इक्वल्स टू 9 × 7, ठीक है, दोनों का ही आंसर सेम रहेगा. नंबर 2 इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज अगेन योर फ्रेंडशिप प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फ्रेंडशिप प्रॉपर्टी. जैसे कि आपने लिखा 7 × 9 × 10, तो 7 × 9 आप पहले करेंगे उसमें आप 10 मल्टीप्लाई करेंगे, या 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 10 में, बात एक ही है. मतलब कैसे, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 7 × 9 = 63 × 10 आपने किया तो आंसर आया 630, करेक्ट.
अब उसी तरह आप राइट हैंड साइड में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ, क्योंकि 9 इंटू 10 ब्रैकेट में है तो 90 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप उसके साथ तो आपका आंसर तब भी 630 ही आएगा। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों केसेस हमारे मल्टीप्लिकेशन को में भी फॉलो होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एज द नेम सजेस्ट इज टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, यहां पर मैं दो चीजें कर रही हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो चीजें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन का मतलब है कि मेरे पास मान लो दो नंबर है 3 या 30 इंटू 5 प्लस 7। इसका मतलब क्या है कि 30 को, वैसे तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई ब्रैकेट है तो मैंने किया 30 इंटू 5 प्लस 7, आपने 12 लिखा और आंसर आ गया 360, करेक्ट। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं और इस 30 को दोनों नंबर्स के साथ ऐड मल्टीप्लाई करूं और फिर जो प्रोडक्ट आए उसको ऐड करूं तो भी मेरा यही आंसर आना चाहिए। तो मतलब कि ये इक्वल होना चाहिए 30 इंटू 5 प्लस 30 इंटू 7 करके देखते हैं। 5 is 15, 150 plus 7 is 21, 210, तो भी ये 360 ही आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सीधा सीधा मतलब है कि 30 into 5 plus 7 is equals to 30 into 5 plus 30 into 7, this is your distributive property। I hope मैं बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रही हूँ। I hope आपको ये समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा, एक और बार इसको देखो और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन को समझो, क्योंकि इसी का एक दूसरा भाई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, जो कि है मेरी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब क्या करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन समझने के लिए, मैं इन नंबर्स को के बीच में सिर्फ एक सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देती हूँ। मैंने किया 7 minus 3, ओके 7 minus 3 कर दिया, तो इसका मतलब 7 minus 3 क्या हो गया आपका 4, और 4 3 is 12, 120 आपका आंसर आ गया। यही सेम आंसर तब भी आना चाहिए जब मैंने किया ये कि 30 into 7 minus 30 into 3, तो 30 into 7 होता है 210 और उसमें से माइनस किया मैंने 90, तो आंसर मेरा आएगा 120। तो जिससे मुझे पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज 30 into 7 माइनस इज 30 into 3, मतलब कि 30 into 7 minus 3 is equal to 30 into 7 minus 30 into 3, करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आपको जीरो द वंडर नंबर के बारे में पता होगा तो आपने देखा एडिशन के अंदर जीरो को आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो वो नंबर इटसेल्फ देगा। ठीक है, तो वो इसीलिए एडिशन की आइडेंटिटी बन गई कि भाई किसी भी नंबर में जीरो ऐड करोगे तो नंबर इटसेल्फ देगा। लेकिन भाई जीरो इतना खतरनाक है मल्टीप्लिकेशन के साथ, आप बड़े से बड़ा नंबर लेकर आओ और जीरो के साथ मल्टीप्लाई करो तो
आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको कहती हूं मैजिक। ठीक है, और ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। दैट सेज एनी नंबर बड़े से बड़ा 3, 7, 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है, मल्टीप्लाई करो जीरो से, आंसर आएगा जीरो। ठीक है, रश्मि मैम मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज ऑल्सो जीरो, एनी बडी मल्टीप्लाइज बाय जीरो इज जीरो, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। लेकिन आइडेंटिटी जो है वो देता है आपको आइडेंटिटी कि कोई एक ऐसा नंबर जो कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो, ऐसा केवल और केवल एक ही नंबर है, दैट इज नंबर 1। तो 3, 7, 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू 3, 7, 5, 4, 3, 2, 1 ओके, अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। सो बल्कि क्वेश्चन आपका आ सकता है कि विच नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ, तो इट इज 1 दैट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव द नंबर इटसेल्फ। सो आई होप प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। डू रिवाइज देम एट होम, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सी यू टिल नेक्स्ट क्लास, बाय।